दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब फ्रेडिस में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले वर्ल्ड कप 2023 के बारे में जो कि इंडिया में खेला जा रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2023 के जो मैचेस हैं वो किन चैनलों पर आपको देखने को मिलेंगे और इंडिया में अगर आप देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देखेंगे, और अगर आप इंडिया के बाहर से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप किन किन कंट्रियों में इसका जो प्रसारण किन किन चैनलों पर किया जाएगा वो जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार दूरदर्शन द्वारा सभी मैचों का प्रसारण तो नहीं किया जाएगा, पर जो इंडिया के मैचेस हैं और साथ ही में सेमीफाइनल के जो मैच होंगे वो सभी डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले हैं। यानी कि इंडिया के मेन मैच जो होने वाले हैं और साथ ही में जो हमारे लिए सेमीफाइनल और फाइनल के मैच जो खेले जाएंगे उनका जो प्रसारण है वो डीडी स्पोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर में आप किन किन भाषाओं में देख सकते हो इंडिया में खास तौर पे, और अपने पड़ोसी मुल्क में किस किन किन चैनलों पर इसका जो आनंद है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए पर बिना देर किए हुए मैं आपको बता, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंडिया में, खास तौर में भारत में ये जो चैनल्स का मेन ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया नेटवर्क रहने वाला है। स्टार इंडिया नेटवर्क के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का भी जो चैनल्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसको आप देख सकते हैं, फ्री में मिलेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, और इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको हाई डिफिनीशन में देखने के लिए लगने वाला है। 480p में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लिए जाते हैं। अगर उसे हाई डिफिनीशन में स्विच करते हैं जैसे कि 720 और 1080p और 4K तो शायद नहीं है जहाँ तक मेरे अनुमान है, तो वहाँ पर 1080 में अगर आप देखना चाहते हैं 1080p में तो वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन जो है चार्ज करना पड़ेगा। उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं मंथली और ईयरली के हिसाब से। चलिए बात करते हैं पहले इंडिया में, आपको बता ही दिया स्टार इंडिया के साथ कुछ मैच जो इंडिया के होंगे वो मेन मैचेस के लिए डीडी स्पोर्ट भी अवेलेबल है, और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आपको फॉक्स स्पोर्ट में देखने को मिलेगा और चैनल 9 जो ऑस्ट्रेलिया का है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और फॉक्स टेल पर भी इसका मैच जो है वो देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम में तो यहाँ पर आपके लिए स्काई स्पोर्ट क्रिकेट जो चैनल से इस पर जो प्रसारण देखने को मिलने वाला है। और वहीं पर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो यूनाइटेड स्टेट में हमारे लिए वेलो टू बी एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर आपको इसका मैच जब प्रसारण देखने को मिला। साउथ अफ्रीका में तो सुपर स्पोर्ट माहिर है सभी क्रिकेट मैचों का प्रसारण करने के लिए, सुपर स्पोर्ट पर ही इसका प्रसारण देखने को मिलने वाला है। न्यूजीलैंड में स्काई स्पोर्ट और स्काई स्पोर्ट 3 पर इसका प्रसारण किया जाएगा, और मीना में आपको मीना देखने को मिलेगा जैसे कि क्रिक लाइफ मैक्स है और स्टार्स प्ले है, यहाँ पर इसका मैच का प्रसारण देखने को मिलेगा। कनाडा में बात करते हैं तो विलोडो भी कनाडा में देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें बांग्लादेश में तो बांग्लादेश के व्यूअर्स के लिए गाजी टीवी पर मिलेगा, और टी स्पोर्ट जो वहाँ का एक नया चैनल और बढ़िया पिक्चर क्वालिटी चैनल उस पर देखने को मिलेगा, और BTB नेशनल पर भी इसका मैच का जो प्रसारण है वो देखने को मिलने वाले हैं। श्रीलंका में अगर बात करते हैं, श्रीलंका में स्टार इंडिया नेटवर्क के साथ चैनल आई पर इसका प्रसारण जो देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी बात होगी। और उसके बाद से अगर बात करते हैं नेक्स्ट श्रीलंका के बाद कैरिबियन देश में आ जाते हैं यानी कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह देशों में, तो यहाँ पर ESPN 1 और ESPN 2 पर इसका प्रसारण देखने को मिलने वाला है। और अफगानिस्तान में बात करते हैं RTA स्पोर्ट और एरिना TV जो कि एक ही चैनल से, तो यहाँ पर इसका प्रसारण जो है किया जाने वाला है, और वतन HD पर भी इसका प्रसारण जो है किया जाएगा कॉपी करके स्टार इंडिया नेटवर्क के लिए के साथ में। अगर बात करते हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में हमारे लिए PTV स्पोर्ट देखने को मिलेगा और ए स्पोर्ट पर भी इसका प्रसारण देखने को मिलेगा। दोनों चैनल्स जो है वो हाई डिफिनीशन में उपलब्ध है। हांगकांग की बात करते हैं एस्ट्रो स्पोर्ट क्रिकेट और यैप TV पर मिलेगा जो कि OTT प्लेटफॉर्म है, और मलेशिया में एस्ट्रो क्रिकेट पर देखने को मिलेगा, और सिंगापुर पर भी एक्स्ट्रा क्रिकेट पर भी देखने को मिलने वाला है, और पैसिफिक आइसलैंड वगैरह में जो चैनल्स है PNG TV पर मिलेगा, TVN1 एक्शन PAC पर मिलेगा, और TV1 एक्शन पर इसका जो मैच का जो प्रसारण है वो देखने को मिलने वाला है। कुल मिला जुला कर यही सभी चैनल के नाम थे जो कि आप देख सकते हो। अगर इंडिया में बात करते हैं रीजनल भाषाओं में, सभी भाषाओं में यहाँ पर जो मैच है वो प्रसारित किए जाएंगे, भोजपुरी से लेकर तेलुगु तमिल जो भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं इंडिया में जो चलती हैं जिन्हें बोला जाता है आमतौर पर वो भाषाएं उपलब्ध होंगी इंडिया के मैचेस के लिए और सभी मैचों के लिए। जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएगा, और आपके नाम आपके पास भी कोई चैनल्स के नाम है वो भी आप अपने कमेंट में ज़रूर से अपनी राय ज़रूर से अपना व्यक्त कीजिएगा।